हेलो एवरीवन, तो मैं हूं दिव्या कश्यप फ्रॉम देके ऑटो 65। तो आज हम निकल रहे हैं एक नए टास्क के लिए, जो कि सूर्यनारायण पर जो भव्य दुर्गा पंडाल लगा हुआ है, वहां हमें माता रानी का एक अच्छा सा रंगोली बनाना है। तो यहां पर मैं और पापा एकदम रेडी हैं और हम निकल पड़े हैं हमारे काम के सफर की ओर। तो हम यहाँ पहले अपने गांव में रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे लेके जाना है रंगोली। यहाँ देखिए मेरा रंगोली रेडी है और अब हम यहाँ से निकलेंगे सूर्यनारायण के सफर के लिए। जब तक हम लोकेशन में पहुँचते हैं, आप एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो पर। और फाइनली देखिए हम पहुँच गए हैं। अभी सुबह का टाइम है तो मेला पूरा ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे हम पंडाल के पीछे जो गाड़ी लगे थे, उधर से महानदी का नज़ारा जो दिख रहा था बहुत ही प्यारा था। देखिए इधर से भी आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। और ये फाइनली पंडाल का लुक है, जो कि पूरा प्रेम मंदिर के जैसे बनाया गया है, एकदम हूबहू। वाव, इसका जो लुक है ना, मैं बस देखते ही रह गई। कहते हैं रात की जो लाइटिंग सेम प्रेम मंदिर में है, वो भी यहाँ पर सेम लाइटिंग दिखाई जाती है। बट मैं रात का व्यू नहीं ले पाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और ये है अंदर का व्यू, अंदर का व्यू भी बहुत ही बेहतरीन है। और देखिए हमारी देवी मैया को यहाँ पर एकदम इतनी विराट रूप में यहाँ पर विराजमान है। और आप भी आइए सूर्यनारायण, और सूर्यनारायण में जो ये भव्य पंडाल है और भव्य प्रतिमा जो यहाँ पर देवी माँ की रखी हुई है, उनका दर्शन करके जाइए, आशीर्वाद लेके जाइए। फटाफट से तो यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट हो रखा था पहले से, मेरी बातें हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बनाना रंगोली स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे रिटर्न जल्दी से बिलासपुर भी जाना है। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ एकदम। और ये जो वर्क है, इस वर्क के लिए मैं 11 बजे से रंगोली बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो डिटेल्स हैं उनके वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आइस का पोर्शन कंप्लीट किया, और यहाँ पर का जो माहौल था ना, पर डांडिया वगैरह हो रहा था और इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे थे कि मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कितना जल्दी टाइम जा रहा है। एंड इतना मज़ा आ रहा था रंगोली बनाने में, बहुत ही ज़्यादा, एकदम जो वहाँ की जो वाइब थी ना, वहाँ का जो माहौल था बहुत ही बेहतरीन था, और वहाँ के माहौल में रंगोली बनाने में और मज़ा आ रहा था। और बीच में मेरी दो सिस्टर्स मुझे मिल गई, और वो भी मुझे रंगोली बनाने में हेल्प करने लगी, जिससे कि मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। मेरा काम बस फिनिशिंग का बच गया था, और मैंने फिनिशिंग कर लिया। उन्होंने कलर का वर्क कंप्लीट कर लिया, मैंने फिनिशिंग कर लिया, और ऐसे करके उन्होंने मेरी हेल्प कर दी और मेरी रंगोली जल्दी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर मैंने रंगोली कंप्लीट कर लिया और फटाफट से अपने डीके आर्ट का नाम लिख के और सोशल मीडिया का लोगो बना के मैंने अपना नाम भी लिख दिया। और फिर ये देखिए फाइनल लुक मेरी रंगोली का कैसा लग रहा है। आप सभी को हमारा रंगोली तो कमेंट करिएगा, और अगर आप सूर्यनारायण जाएंगे तो हमारी रंगोली ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी रंगोली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय माता दी।